जैसा कि आपको पता है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो लॉकडाउन है उसको फर्दर एक्सटेंड किया है 3rd of May तक। सो उसके रिगार्डिंग हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी जो लॉकडाउन है वो 3rd of May तक रहेगा। और जैसे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि इसमें जो डिस्ट्रिक्ट को क्लासीफाई कर कर और फर्दर जो इसमें किस किस डिस्ट्रिक्ट में रिलैक्सेशन देना है वो 20 अप्रैल तक डिसाइड होगा। तब तक हमारी जो भी अभी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी वो इसी तरह से जारी रहेंगी। और अभी तक हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ कोरोना से बचा रहा है। अभी तक हमारे जो हमने यहाँ से 48 लोगों को टेस्टिंग के लिए भेजा था सभी लोग अभी तक निगेटिव आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर लोग लॉकडाउन का इसी तरीके से पालन करेंगे, बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट इस महामारी से बचा रहेगा। और इसके अलावा हमारे जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, हमारी जो नॉमड्स पॉपुलेशन है जो कि डिफरेंट डिफरेंट डॉग्स में जाती है, उसके लिए भी आज एक डिटेल में मीटिंग की गई और उसमें भी किस तरीके से उनको जो है यहाँ से माइग्रेशन करना है उसके लिए भी जो लोग केवल फुट बाई फुट मूव करते हैं उसके लिए परमिशन दी जाएंगी। और उसमें भी प्रॉपर चेक के तहत जो हमारे प्री डिफाइंड रूट हैं उनके तहत प्रॉपर चेक करके ही उनको वहाँ से जो है परमिशन दी जाएंगी। और उन्होंने भी पूरा ये इंश्योर करना है कि वो अपना प्रोविजन एक बार में लेके जाएं, क्योंकि इस बार जैसे लास्ट टाइम की तरह लोग फ्रिक्वेंटली मूव करते थे राशन खरीदने के लिए, बीच में नीचे भी आ जाते थे, वो इस बार पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके अलावा हमारे बहुत सारे जो माइग्रेटरी रूट ऐसे हैं जो कि जो लोग कश्मीर में जाते हैं जो कि फिलहाल रेड जोन पड़ेंगे और उनको रेड जोन क्रॉस करना होगा, तो उसके रिगार्डिंग भी डिटेल एक्सरसाइज की जा रही है कि किस तरीके से वहाँ से उनका मूवमेंट हम अलाउ कर पाएंगे। सो उसके लिए भी उन्होंने एहतियात बरतनी है कि अगर वो जो रूट को अख्तियार करते हैं कि क्या उसमें कोई रेड जोन पड़ता है या नहीं पड़ता है। जैसे हमारे जो लोग बायां पीर की गली जाते हैं तो शोपियां में हमारा रेड जोन है, तो वहाँ पर उन्होंने किस तरीके से इंश्योर करना है। सो इसी टाइप से हमारे जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट विद इन डिस्ट्रिक्ट भी हमारे जो लोग माइग्रेट करते हैं उनके लिए भी एक डिटेल स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में सभी लोगों का जिस तरह से अभी तक कोऑपरेशन रहा है आगे भी कोऑपरेशन रहेगा ताकि हम इस महामारी से को पुंछ से दूर रखें।